जरूरी सूचना, आज के वीडियो में हमने दोनों टीमों की प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में बात करी है, मतलब कि ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता। थैंक यू। आईपीएल 2021 का तीसरा मुकाबला खेला जाने वाला है सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में, और पिछली बार जब ये दोनों टीमें आपस में टकराई थी तो उस मुकाबले का रिजल्ट सुपर ओवर में पता चला था, और इस बार भी इन दोनों टीमों के बीच में काफी बढ़िया मुकाबला होने वाला है, क्योंकि एसआरएच और केकेआर के पास इस साल भी काफी अव्वल दर्जे के खिलाड़ी मौजूद है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपीएल 2021 के तीसरे मुकाबले के लिए एसआरएच और केकेआर की प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में। तो चलिए दोस्तों, सीधे मुद्दे की बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की। तो एसआरएच के लिए इस साल काफी सारे ओपनिंग के ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर एसआरएच पहले मुकाबले में डेविड वार्नर और रिद्धिमान शाह को ओपनिंग में भेज सकती है। वार्नर और शाह की जोड़ी ने पिछले साल आखिर के मैचों में खतरनाक बैटिंग करी थी, और पिछले साल एसआरएच को प्लेऑफ तक पहुंचाने में वार्नर और शाह की जोड़ी ने काफी अहम योगदान दिया था। तो यहाँ पर एसआरएच केकेआर के खिलाफ वार्नर और शाह को ओपनिंग में भेज सकती है। एसआरएच के लिए नंबर 3 पर होंगे मनीष पांडे। पिछले साल पांडे जी ने नंबर 3 पर आकर एसआरएच के लिए 400 से ज्यादा रन बनाए थे। एसआरएच के लिए नंबर 4 पर होंगे केन विलियमसन। विलियमसन पिछले साल इंजरी की वजह से शुरुआती मैचेस नहीं खेल पाए थे, लेकिन इस साल विलियमसन पूरी तरह से फिट है, तो एसआरएच विलियमसन को पहले मैच से ही प्लेइंग 11 में जरूर रखना चाहेगी। एसआरएच के लिए नंबर 5 पर हो सकते हैं प्रियम गर्ग, या फिर एसआरएच नंबर 5 पर विराट सिंह और केदार जाधव को भी मौका दे सकती है। नंबर 6 पर होंगे विजय शंकर। विजय शंकर ने एसआरएच के प्रैक्टिस मैच में 50 गेंदों में नाबाद 95 रनों की पारी खेली है, तो यहाँ पर एसआरएच विजय शंकर को भी पहले मैच में जरूर खिलाएगी। नंबर 7 पर होंगे एक और ऑलराउंडर खिलाड़ी, जो कि है मोहम्मद नबी, या फिर एसआरएच जेसन होल्डर को भी खिला सकती है, लेकिन नबी ने प्रैक्टिस मैच में काफी बढ़िया ऑलराउंडर परफॉर्मेंस किया है, तो यहाँ पर एसआरएच पहले मुकाबले में मोहम्मद नबी को मौका दे सकती है। एसआरएच के लिए नंबर 8 पर होंगे आईपीएल के इतिहास के सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल गेंदबाज राशिद करामती खान। नंबर 9 पर होंगे भुवनेश्वर कुमार। पिछले साल भुवी इंजरी की वजह से पूरे आईपीएल से रूल्ड आउट हो गए थे, लेकिन इस साल भुवी आईपीएल में अपनी स्विंग दिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। एसआरएच के लिए नंबर 10 पर होंगे पावर प्ले का सबसे तगड़ा गेंदबाज संदीप शर्मा, और एसआरएच के लिए नंबर 11 पर होंगे पिछले साल आईपीएल में सबसे ज्यादा यॉर्कर डालने वाले टी नटराजन। तो दोस्तों, आईपीएल 2021 के तीसरे मुकाबले में केकेआर के खिलाफ कुछ इस प्रकार हो सकती है सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग 11। कप्तान डेविड वार्नर, विकेटकीपर बल्लेबाज रिद्धिमान साहा, मनीष पांडे, केन विलियमसन, प्रियम गर्ग, विजय शंकर, मोहम्मद नबी, राशिद खान, भुवनेश्वर कुमार, संदीप शर्मा और टी नटराजन। तो अब बात करते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की। केकेआर ने पिछले साल अपनी ओपनिंग जोड़ी के साथ काफी छेड़खानी करी थी, लेकिन इस बार केकेआर शुभमन गिल और राहुल त्रिपाठी से ज्यादातर मैचों में ओपनिंग करवा सकती है। पिछले साल केकेआर पावर प्ले में ज्यादा रन नहीं बना पाई थी, लेकिन इस बार शुभमन गिल ने कहा है कि हम इस बार पावर प्ले में ज्यादा रन बनाने की कोशिश करेंगे, और गिल ने केकेआर के प्रैक्टिस मैच में भी काफी खतरनाक बैटिंग करी है। बात करें राहुल त्रिपाठी की, तो त्रिपाठी भी T20 क्रिकेट के काफी बढ़िया ओपनर है, तो एसआरएच के खिलाफ केकेआर के ओपनर हो सकते हैं शुभमन गिल और राहुल त्रिपाठी। केकेआर के लिए नंबर 3 पर होंगे आईपीएल के इतिहास के सबसे बढ़िया अनकैप खिलाड़ी नीतीश राणा। नंबर 4 पर होंगे केकेआर के कप्तान ओइन मॉर्गन। मॉर्गन को पिछले साल आधे सीजन के बाद कप्तानी मिली थी, लेकिन इस बार मॉर्गन पहले मैच से ही केकेआर की कमान संभालने वाले हैं। नंबर 5 पर होंगे केकेआर के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर आंद्रे रसल। पिछले साल रसल आईपीएल में कुछ खास नहीं कर पाए थे, और पिछले साल रसल के साथ इंजरी का भी मसला रहा था, लेकिन इस साल के आईपीएल में हमें आंद्रे रसल नाम का तूफान फिर से देखने को मिल सकता है। केकेआर के लिए नंबर 6 पर होंगे विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक। कार्तिक ने केकेआर के प्रैक्टिस मैचों में सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस किया है, तो इस बार कार्तिक भी अपनी पुरानी फॉर्म में नजर आ सकते हैं। नंबर 7 पर होंगे केकेआर के सबसे महंगे खिलाड़ी पैट कमिंस। केकेआर ने कमिंस को रिटेन करके कमिंस के ऊपर काफी ज्यादा भरोसा जताया है, तो कमिंस को इस बार केकेआर के भरोसे पर खरा उतरना पड़ेगा। केकेआर के लिए नंबर 8 पर होंगे सुनील नारायण, या फिर केकेआर नारायण की जगह पर शाकिब अल हसन को मौका दे सकती है। शाकिब और नारायण दोनों ही काफी बढ़िया खिलाड़ी है, लेकिन पहले मैच में केकेआर नारायण को प्लेइंग 11 में रख सकती है।
केकेआर के लिए नंबर 9 पर होंगे काफी युवा तेज गेंदबाज शिवम मावी। नंबर 10 पर होंगे एक और बढ़िया तेज गेंदबाज जो कि है प्रसिद्ध कृष्णा। और ओडीआई में डेब्यू करने के बाद कृष्णा और भी ज्यादा प्रसिद्ध हो चुके हैं। केकेआर के लिए नंबर 11 पर होंगे वरुण चक्रवर्ती। पिछले साल चक्रवर्ती केकेआर के सबसे सफल गेंदबाज थे और पिछले साल आईपीएल में एक ही गेंदबाज फाइफर ले पाया था और वो गेंदबाज था मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती। तो दोस्तों आईपीएल 2021 के तीसरे मुकाबले में एसआरएच के खिलाफ कुछ इस प्रकार हो सकती है केकेआर की प्लेइंग 11। शुभमन गिल, राहुल त्रिपाठी, नीतीश राणा, कप्तान ओवन मॉर्गन, आंद्रे रसल, विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक, पैट कमिंस, सुनील नारायण, शिवम मावी, प्रसिद्ध कृष्णा और वरुण चक्रवर्ती। तो दोस्तों आईपीएल 2021 के तीसरे मुकाबले में कुछ इस प्रकार हो सकती है दोनों टीमों की प्लेइंग 11। और आपके मुताबिक आईपीएल 2021 का तीसरा मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी, सनराइजर्स हैदराबाद या फिर कोलकाता नाइट राइडर्स, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो दोस्तों आज की हमारी मुद्दे की बात यहाँ पर समाप्त हुई।